फूड की और स्नैक्स की। हम लोग जो है हमारा जो एस्टिमेटेड लोड था हमारा 188 किलो वाट था। तो हमने सुना था कि इसके बारे में कि सोलर की टेक्नोलॉजी नई आई हुई है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत फिजिबल है। बीइंग वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान विच हैज़ अ वेरी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो हमने इसको ऑप्ट किया। हमने इनवरेक्स से इस बारे में हमने फिजिबिलिटी बनवाई और हमने इसको 50 किलोवाट का हमने इनिशियली भी इंस्टॉल किया है। और हमारा बहुत मतलब वी आर होपिंग कि ये टेक्नोलॉजी जो है हमें फ्रूटफुल नज़र आएगी और हमें बहुत होप्स अप हैं क्योंकि हमने मार्केट में और भी सर्वे वगैरह किए हैं और भी जगहों पर देखा है। तो यहाँ हमने ग्रिड टाइट सिस्टम हमने इंस्टॉल किया हुआ है और हम समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए इंडस्ट्रियल्स के लिए, कमर्शियल यूजर्स के लिए, इवन डोमेस्टिक यूजर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत हाई है। मतलब आम जबान में बात करें तो मतलब दुनिया से हम समझें कि ना 2 से 3 गुना हम ज़्यादा पे कर रहे होते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को लेते हुए, जो कि हमें जो है ना मार्केट से आउट कर देती है। हम इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर पाते इसकी वजह से। सोलर की टेक्नोलॉजी से हम समझते हैं कि हम कम्पीट कर पाएंगे और साथ ही साथ हम जो है इन्वायरमेंट के लिए भी एक फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर पाएंगे। स्नैक्स प्रोड्यूसर हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ पम्प्स वगैरह और कन्वेयर्स और इस तरह की मशीनरीज हैं जिसका, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लोड होता है इंडस्ट्री का। तो हमारा जो एस्टिमेटेड अभी लोड है तकरीबन 188 किलोवाट के अबाउट है। तो हमने इसको देखते हुए हमने भी इसको तकरीबन देखा जाए तो 1/4 या 1/3 आप कहें कि हमने 50 किलोवाट का एक इंस्टॉल कैपेसिटी हमने इंस्टॉल की है तो हम यूज़ कर रहे हैं इनिशियल फेज़ के अंदर। अगर हमें ये जो है फिजिबल नज़र आती है और हमें जो है इसका ब्रेक इवन जो है हमें देखते हैं कितने अरसे में ये ब्रेक इवन कर पाते हैं तो उसको देखते हुए हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे इस कैपेसिटी को। अच्छा बात की जाए कि ये सोलर की टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो सोलर की टेक्नोलॉजी जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, बहुत फीजिबल है क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम ऐसी लोकेशन में, हम पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द एयर जो है हेल्दी सनशाइन मिलता है हमको। तो सोलर की टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली सूरज से चलती है और आपके पास अगर सनशाइन है, अच्छी टेम्परेचर, हमारे पास टेम्परेचर भी हाई होते हैं समर्स के अलावा, इवन विंटर का भी हमारा स्पैन जो है सनशाइन के साथ ही होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सोलर की जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान कराची के लिए बहुत फीजिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव करती है, आपको कंपेटिटिव करती है मार्केट के अंदर और 7 times इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसका जो रिटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ 20-25 ईयर्स है। मतलब जो ये प्रोड्यूस करती है, जो प्रोडक्शन देती है, वो 20-25 ईयर्स की लंबी इसकी लाइफ है, लाइफ स्पैन है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी फिजिबल टेक्नोलॉजी है, कंपेटिटिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात। इनवरेक्स बेसिकली हमने इनवरेक्स का नाम बड़ा अच्छा है मार्केट के अंदर, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं डोमेस्टिक, कमर्शियल, इवन इंडस्ट्रियल, इवन मेगावाट्स के लेवल पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो हमने जो 2-3 वेंडर्स को हमने परस्यू किया और इनका बेसिकली क्या कहेंगे मार्केट के अंदर इनका फुट होल्ड है और प्लस इनकी जो है स्टाफ जो है बड़ा कोऑपरेटिव है और हमने इनका जो आफ्टर सेल्स भी हमने इनको आजमाया हुआ है तो ये बड़े अच्छे हैं इसके अंदर। आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करते हैं, इवन मेंटेनेंस के हवाले से हो, रिपेयर्स के हवाले से हो, स्पेयर्स के हवाले से हो। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को लगाना ही मकसद नहीं होता, टेक्नोलॉजी को लगाने के बाद उसको चलाना, तो चलाने में जो इश्यूज़ आते हैं उसको भी कैटर करना है। तो इनवरेक्स इसके हवाले से एक अच्छा नाम है, हमने इसलिए इनवरेक्स को ऑप्ट किया था, इनवरेक्स के ऑप्शन को। थैंक यू सो मच।